जो कोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट है। जैसे ऑप्टिक्स एक ब्रांच है जो कि लाइट को स्टडी करती है, मैकेनिक्स एक ब्रांच है, काइनेमेटिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक ब्रांच है जो चार्ज को स्टडी करता है। और चार्ज किस पे पड़ा होगा? एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि जिसके अंदर हम एक चार्ज को स्टडी करते हैं, और चार्ज किस पे पड़ा होगा? रेस्ट पे। पूरे यूनिट के अंदर 1.5 महीना चलेगा चार्ज, मतलब ही नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि अगर चार्ज मूव कर गया, चार्ज को मूव करने के लिए क्या चाहिए? कंडक्टर, एक वायर चाहिए, तार के बिना नहीं करेगा वो, एक कंडक्टर चाहिए। और जब कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव करेगा तो क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकेंड यूनिट का नाम है आपके सिलेबस में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं स्टार्ट करता हूं विद इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ स्टडी ऑफ चार्जेस लाइंग एट रेस्ट। ये तो मेरी बातों से सबको पता लग चुका है। दूसरा, दो तरीके के चार्जेस हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ये भी सबको मालूम है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ चार्ज। चार्ज आया कहां से? ये हमारी अजम्पशन है कि किसी स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसी स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारी अजम्पशन है। रियलिटी में ये होता है कि अगर कोई बॉडी है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी कहीं से कुछ फालतू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स किसी ने इसके ऊपर डाल दिए हैं, इसलिए इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज है। एक्स्ट्रा चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय नेगेटिव। तो हम बोलते हैं इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के ऊपर फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक्स्ट्रा टर्म को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से किसी बॉडी के तो इलेक्ट्रॉन निकाल के हमने एक जगह से दूसरी जगह में दिए, तो वो जो बॉडी है जिसके इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए वो डेफिशिएंसी है उसके पास। तो डेफिशिएंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? पॉजिटिव से। तो हम बोलते हैं इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, और डेफिशिएंसी है तो पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक क्लियर है? अब दूसरी चीज, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। आप अगर किसी भी बॉडी को चार्ज करना चाहते हो तो उसके कितने तरीके हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, आपने उठाए इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में डाल दिए। कोई तो तरीका होता होगा इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज करने का, या किसी बॉडी को सॉरी चार्ज करने का। तो तीन तरीके हैं। पहला तरीका जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होता है बेसिकली, आप एक रॉड लें, ग्लास रॉड है, और साथ में एक पीस ऑफ सिल्क लें, और अगर आप इन्हें रब करें तो रब करने का मतलब आप इन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये सबके साथ पॉसिबल नहीं है। अगर आप सिल्क लेंगे और रॉड लेंगे तब तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप सिल्क और रॉड लेंगे, आप इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है और को इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो बेसिकली इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है रॉड के, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली रब करने से, और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके इसमें चले गए। तो इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इसमें चले गए सिल्क में। तो सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये चार्ज कैसे आया? आपने इन दोनों को रब करके क्या प्रोवाइड की? एनर्जी। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सिमिलरली आप एक एबोनाइट रॉड लें और साथ में एक वूल लें, तो आप इन्हें रब करें, अगर इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या हुआ था? रॉड के इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, इसमें क्या होगा? इसके अंदर वूल के इलेक्ट्रॉन निकल के रॉड में चले गए। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो कोई स्टूडेंट घर गया, उसने कहा ये तो कमाल की चीज सीख ली आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में, किसी भी चीज को जादू रब करेंगे चार्ज आ जाएगा। नहीं आएगा, सब में नहीं ये रूल चलेगा। जो मटेरियल है उसके जो एटम है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन पर डिपेंड करता है। अगर वो लूजली बाउंड है तो ऐसा होगा, लेकिन अगर वो टाइटली बाउंड है फिर उसका रिमूवल नहीं हो सकता।
तो ये नहीं है कोई भी कपड़ा लोगे उसको रब करोगे किसी भी लकड़ की रॉड के साथ और ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा, इन्हीं के साथ होगा जो मैंने शो किया है, राइट। सिंथेटिक के कपड़े डालते हो तो वो स्पार्किंग की आवाज़ आती है, कुछ ऐसे कुछ वूल है सिल्क है तो रात को वो स्पार्क भी करता है कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली वो कपड़ा ही ऐसा है, वो क्लोथ ही ऐसा है, सारे कपड़े के साथ ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट एग्जाम्पल है, बाय फ्रिक्शन हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप सबको क्लियर है। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में सेकेंड मेथड जिससे कि चार्जिंग पॉसिबल है इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर, चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर आपको रब करने की जरूरत नहीं है, आप किन्हीं भी बॉडीज को कॉन्टैक्ट में ले आओ, अपने आप चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आपको उनको जोड़ना पड़ेगा, रब करने की जरूरत नहीं। अगर रब कर दिया तो भाई फ्रिक्शन हो गया, जोड़ दिया सिंपल कॉन्टैक्ट में ले आए तो वो कंडक्शन है। जैसे सपोज इसके पास एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, एक मेटल का ऑब्जेक्ट है। मेटल ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी पूरी करने चले गए पॉजिटिव की, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज था डेफिशिएंसी थी और यहां पर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो टच करते ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए फ्रॉम मेटल से लेके किसमें, इस रॉड में। तो रॉड की कुछ डेफिशिएंसी उसने ठीक कर दी, इलेक्ट्रॉन इसमें बैठ गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया, लेकिन उस चक्कर में ये खुद पॉजिटिव हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो गए तो इसके पास भी डेफिशिएंसी रह गई, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, इसके अंदर ये खुद पॉजिटिव हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज शेयर हो गया, वो एक्चुअल में शेयर तो हुआ पर कैसे हुआ, या कुछ लोग ये बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। देखो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज कभी भी चलता नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो एक खाली सीट है, पॉजिटिव चार्ज तो एक डेफिशिएंसी है। मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से यहां चले गए और खुद डेफिशिएंट हो गया ये मेटल और इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया, पर पूरी तरह कंप्लीट पूरा कर नहीं पाया, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें हो गया और कुछ इसमें हो गया। आपको रब करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ऐसी कॉन्टैक्ट में लेके आए। तो इस मेथड में जब आप दो बॉडीज को वैसी कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं और चार्ज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, दिस इज नोन एज कंडक्शन, राइट। तो फ्रिक्शन में क्या करना पड़ता है, रब, कंडक्शन में क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट में। दो तरीके, तीसरा एक और तरीका है, तीसरा तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड इंड्यूस होने से वर्ड आया, इंड्यूस होना, इंड्यूस होने का मतलब कि बिना कॉन्टैक्ट में लाए बिना, उनको बिना टच किए बिना चार्ज का प्रोड्यूस होना इज इंडक्शन। हम बोलते हैं चार्ज पैदा हो गया, इंड्यूस हो गया, वो कैसे हुआ इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट आना चाहिए जिसको अर्थिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अर्थिंग का या फिर ग्राउंड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं, हमारे घरों में आप कोई भी अगर थ्री प्लग लगाते हो, कोई एसी या कोई भी चीज है, उसमें एक तीन तारें होती हैं प्लग में, रेड या ब्लैक और एक कलर की स्पेशल वायर है, ग्रीन कलर की वायर है। हरे रंग की वायर तो उसके अंदर देखी घरों के अंदर दिखती है आपको, राइट। तो ग्रीन कलर की वायर या जो थ्री प्लग है उसमें ये वाला जो बटन है ऊपर वाला, वो अर्थिंग का होता है, बाकी दो जो है करंट उसमें जाता है। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझने के लिए, हम अर्थ क्यों करते हैं। अगर मान लो एक कूलर है, मेटल की बहुत सारी चीजें हैं, फ्रिज मेटल का है या कूलर मेटल का है या ये जो यूपीएस है ये भी मेटल का सरफेस है या कुछ इस टाइप का मटेरियल है या इस टाइप का मटेरियल है। अब देखा जाए तो अंदर क्या है, अंदर करंट चल रहा है, राइट, अंदर करंट है, करंट का मतलब अंदर चार्ज है, अंदर चार्ज है। तो अब एक प्रॉब्लम है इसमें, कई बार आपने नोट किया होगा कि कूलर या कोई भी मेटल की बनी हुई बॉडी शॉक मारती, शॉक लगना स्टार्ट हो जाता है, दरवाजों में भी कई बार हो जाता है, ये एल्यूमिनियम के स्पेशली शॉक लगता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो, आप कहते हो कि कोई प्रॉब्लम है, या कई बार आपने ये भी नोट किया होगा ट्यूब कभी बंद हो रही है कभी चल रही है जबकि मेन सप्लाई बंद है। हमारे यहाँ तो बहुत हो जाता है वैसे, ठीक। तो यहाँ पे ये लाइट्स ऑन ऑफ रहती हैं, इस बिल्डिंग की अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, अर्थ से चार्ज कैसे आ जाता है, मैं आपको समझाता हूँ चक्कर क्या है। लेकिन उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये इंडक्शन है क्या।
और अर्थिंग के साथ समझाऊंगा। सपोज करो आपके पास ये एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि कहीं से मैं कर लाया चार्ज इसे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देके मैं लेके आया हूं। इसके सामने मैंने एक कंडक्टर स्फेयर रख दिया, एक कंडक्टर का बना हुआ एक स्फेयर रख दिया, राइट, मेटल है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज रॉड इसके सामने रखी गई तो इस नेगेटिव ने इस कंडक्टर के चार्जेस को, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपेल कर दिया, इन इलेक्ट्रॉन्स ने इनके इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगा दिया। तो क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल होके इस तरफ आ गए और अपनी जगह क्या छोड़ गए, डेफिशिएंसी। ऑब्वियसली अपनी जगह छोड़ के भाग रहे हैं तो एक तरफ डेफिशिएंसी हो गई और एक तरफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये बात समझ में आती है। तो इस तरफ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस तरफ कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये रूल क्लियर है यहां तक? हमने ये बोलना है कि यहां पर चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। कोई डाउट इसमें? लेट अस सपोज एक मिनट के लिए मैं इस रॉड को वापस ले जाता हूं, ले गया मैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे और अपनी डेफिशिएंसी को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे और अल्टीमेटली ये फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, बात वहीं पर आ गई, था तो ये पहले भी न्यूट्रल, जब मैंने इसकी रॉड को इसके सामने रखा हुआ है तो उस केस में ये तो मुझे समझ में पहले ही आ रहा था। मैंने किसी से पूछा कि ये बताओ कि इसमें नेट चार्ज कितना है, तो ऑब्वियसली जितना ये उतना ये, आपस में नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। अल्टीमेटली नेट चार्ज तो इसमें जीरो है, राइट, लेकिन इसलिए ये अरेंजमेंट हो गया क्योंकि नेगेटिवली चार्ज रॉड ने इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया और नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया और अपनी जगह डेफिशिएंसी हो गई। ठीक, ये ना एक टेम्पररी चार्ज है, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, रॉड को अपने घर ले जाओगे ये वापस न्यूट्रल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये स्फीयर परमानेंटली चार्ज हो जाए। अब इसको सीखने के लिए आपको अर्थिंग सीखना पड़ेगा। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट, वैसे तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो कैपेसिटर एक चैप्टर आएगा उसके अंदर बहुत डिटेल में है, बहुत ही डिटेल में और मैथमेटिकल है। अभी के लिए ब्रीफ में बताऊंगा अर्थिंग क्या होती है ताकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आए, अर्थ करते क्यों है। अर्थिंग के अंदर क्या होता है, अर्थ की पहले प्रॉपर्टी समझ लो। अर्थ के अंदर बहुत सारा आयरन और बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे, दुनिया भर का जो है अर्थ ही मेन सोर्स है। अर्थ के अंदर आयंस माने जाते हैं, कितने आयंस, इनफाइनाइट आयंस हैं। कौन से, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अर्थ को अगर आप टच करते हो तो आपको कोई चार्ज फील नहीं होता, जबकि इनफाइनाइट चार्जेस हैं पूरी अर्थ के अंदर, मानते हो इस चीज को। अर्थ के अंदर इनफाइनाइट नेगेटिव चार्ज है और इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट का मतलब पता नहीं कितना, और आप इसको जितना मर्जी चार्ज दे दो इसके पास इतनी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की कि ये इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया का अगर चार्ज इसमें चला भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, अर्थ शॉक मारनी स्टार्ट नहीं कर सकती, मतलब इनफाइनाइट है इसके ऊपर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव कि आपस में इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो अर्थ इसलिए न्यूट्रल है ओवरऑल क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, आपस में इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पहला पॉइंट अर्थ के बारे में। अर्थ जो है उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ये भी पॉइंट क्लियर है यहां तक, दो चीजें। तो अर्थ, हम एक टॉपिक करेंगे पोटेंशियल, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है, पर मैं ये टर्म यूज नहीं करना चाहता बिकॉज पोटेंशियल का पूरा चैप्टर आएगा उसमें यूज करेंगे। अभी सिंपल वर्ड में समझा देता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव अपना इफेक्ट क्या कर जाते हैं, कैंसल। ठीक हो गया यहां तक? अर्थ के साथ अब सपोज करो मैंने एक बॉडी को ज्वाइन कर दिया, ये एक मेटल की बॉडी है, इस मेटल की बॉडी के ऊपर सपोज पॉजिटिव चार्ज था, ठीक, मैंने इसको अर्थ के कॉन्टैक्ट में जोड़ दिया। अब अर्थ के कॉन्टैक्ट में जोड़ने का मतलब होता है कि ये अर्थ का ही पार्ट है, मतलब ये अर्थ ही हो गया, मतलब अर्थ के ऊपर ही अर्थ के अंदर चला गया, ठीक, कॉन्टैक्ट में जोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अर्थ के कॉन्टैक्ट में है तो अर्थ चाहेगी कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ना रहे, जैसे अर्थ न्यूट्रल है वैसे ये मेटल की प्लेट भी क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि है तो अर्थ का पार्ट हो गया ना, भी ज्वाइन करने का मतलब। तो अर्थ के पास इनफाइनाइट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो अर्थ क्या करेगी, इस वायर के थ्रू
इसको देख लेगी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, उतने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके इस पूरे इफेक्ट को, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगी, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके, इलेक्ट्रॉन्स हैं सप्लाई करके न्यूट्रल कर देगी। मान लो इसके बाद 10 की डेफिशिएंसी थी, तो अर्थ क्या करेगी, 10 की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करके इसको दे देगी। ठीक हो गया, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो अर्थ ये देख लेती है कि किसी बॉडी के पास कितनी कमी है चार्ज की, जितनी कमी है उसको कॉन्टैक्ट में लेके आओ अर्थ के साथ, अर्थ उतने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करके उसको न्यूट्रल कर देती है। अब सपोज करो किसी ने कहा कि एक प्लेट है और उस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और मैंने इस प्लेट को किससे ज्वाइन कर दिया, अर्थ से ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा, अब ये क्योंकि ये फिर से अब अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया और अर्थ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये प्लेट भी क्या चाहेगी, अर्थ क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज का अफेक्ट ना हो। अर्थ के पास बहुत सारे इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज है, तो अर्थ क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस वायर के थ्रू खींच लेगी और पॉजिटिव चार्ज में एंटर करवा लेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर सकते हैं वायर में, पॉजिटिव चार्ज कभी भी ट्रेवल नहीं करता वायर में, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के वायर के थ्रू होते हुए अर्थ में चले जाएंगे, अर्थ को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, जितना मर्जी चार्ज दे दो, ये प्लेट फिर से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर मैंने अर्थ नहीं की और मैंने इस प्लेट को टच कर लिया तो मुझे शॉक लगेगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ज्यादा होगा शॉक उतना स्ट्रांग लगेगा, वीक होगा तो शॉक वीक लगेगा। क्लियर है यहां तक, तो ये कॉन्सेप्ट है अर्थ का। अब इसके अंदर अब हम घरों के अप्लायंसेस में आते हैं, जब भी घर बनते हैं, आप बिल्डिंग बनाते हो या घर बनाओगे, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम होता है। इलेक्ट्रीशियन वायरिंग या मीटर लगाने से पहले सबसे पहला काम ये करता है, घर के किसी वेड़े में या घर के बाहर बहुत गहरा एक गड्ढा खोदता है, उसमें कोयला मंगवाएगा, नमक डालेगा और पता नहीं क्या कुछ डालता है, वो अर्थिंग के लिए कुछ सामान चाहिए, उसमें ग्रीन कलर की वायर डाल दी जाती है बहुत मीटर नीचे, ताकि अर्थ के अंदर वो चार्ज जा सके। उस तार को एक मीटर के साथ, आपके मेन मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, वो मेन मीटर की जो वायर ग्रीन कलर की वायर आ रही है, वो मेन मीटर से हमारे घरों के हर स्विच के अंदर चली जाती है। मान लो इस बिल्डिंग के मेन मीटर से अर्थ से लेके मेन मीटर से लेके वो वायर होती हुई यहां पर भी आ गई है। अब इमेजिन करो ये मेटल की बनी हुई बॉडी है, इसके अंदर क्या घूम रहा है, करंट घूम रहा है, करंट घूमने का मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब इमेजिन करो कि अगर एक मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉन 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 घूम रहे हैं और ये मशीन एक कंडक्टर की बनी हुई है, एक मेटल की बनी हुई है, तो आपको नहीं लगता कि नेगेटिव चार्ज इसकी छत के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देंगे और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर चले जाएंगे और अपनी जगह क्या छोड़ जाएंगे, डेफिशिएंसी। जो ये मशीन है, इसकी जो छत है, अगर नीचे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो यहां के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भगा दिए इसने, सभी इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ने, तो यहां क्या आ गया, पॉजिटिव, और यहां क्या आ गया, नेगेटिव। आप ऐसी मशीन को जब टच करोगे आपको लगता नहीं कि शॉक लगेगा, आपको करंट लगना स्टार्ट हो जाएगा, और लगता भी है कभी कभी, मशीन्स करंट मारती हैं, इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, वो कहते हैं अर्थिंग कमजोर है इसकी, थोड़ी अर्थिंग ठीक करता है, वो ठीक हो जाता है। क्यों, वो क्या करता है, इस मशीन की ग्रीन कलर की वायर इसकी इस बॉडी के साथ टच कर दी जाती है, ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये देख रहे हो आप, अर्थ के साथ जब कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि वो मेन मीटर से होता हुआ अर्थ की तरफ जा चुका है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्योंकि अर्थ के साथ कनेक्टेड है, अर्थ क्या चाहेगी कि इसकी सरफेस क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के ऊपर दिख रहे हैं सारे के सारे अर्थ में चले जाते हैं, पॉजिटिव का कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो जा चुके हैं, तो पॉजिटिव अंदर की तरफ रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, तो बाहर से बॉडी इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो कोई भी चीज शॉक मार रही है, अगर मान लो मशीन, आप उसकी अर्थिंग कर दो प्रॉपर, वो शॉक लगना आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि सारा चार्ज आपकी बॉडी में जाने की बजाय कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। क्लियर यहां तक, तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो जिस चीज को आपने अर्थ कर दिया, आप ये समझ लो वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक हो गया यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट हमने देखना है, हम बात कर रहे थे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर, चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सपोज करो ये आपके पास एक स्फेयर है,
ये स्फीयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर। आप इसके ऊपर क्या ले आए, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ले आए इसके सामने। नेगेटिव रॉड जब इसके सामने आई तो इसने क्या किया, इसके इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ चले गए और यहां क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई। कोई डाउट इसमें? राइट, डेफिशिएंसी आ गई। रॉड को यहां से ले जाओगे, ये वापस न्यूट्रल दिखेगा आपको। ये भी क्लियर है यहां तक? ठीक। अब नेक्स्ट देखो, किसी ने क्या किया, इसकी जो लास्ट ये सरफेस है, ये वाली पीछे वाली सरफेस है, इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करने से क्या हुआ, यहां के इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए किसमें, अर्थ के अंदर चले गए। ठीक, यहां से ध्यान से, तो यहां के इलेक्ट्रॉन फ्लो के कहां चले गए, अर्थ में चले गए, क्योंकि अर्थ क्या चाहेगी कि ये न्यूट्रल है, ये भी हिस्सा न्यूट्रल हो जाए। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे ये भी तो न्यूट्रल करो, नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके सामने क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है। इसको न्यूट्रल करने के लिए अर्थ को क्या भेजने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन वहां जा नहीं सकते क्योंकि माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करता जा रहा है, रिपेल, तो इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहे, तो पॉजिटिव चार्ज ये न्यूट्रल हो नहीं पाएगा। तो एक हिस्से पे पॉजिटिव रह गया, दूसरा हिस्सा क्या हो गया, अर्थ हो गया, यानी कि चार्ज चला गया। राइट, यहां तक क्लियर है? फिर आपने क्या किया, अर्थिंग को हटा दिया, अर्थिंग हट गई, रॉड को भी दूर ले गए। अल्टीमेटली इसके कुछ इलेक्ट्रॉन अर्थ में जा चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन वापस तो आने से रहे क्योंकि अर्थिंग तो गई, तो परमानेंटली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर यहां तक? तो देखो, आपने रॉड को इसके साथ बिना टच किए फाइनली इसके ऊपर क्या चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, पॉजिटिव। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो आपने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड से एक बॉडी के ऊपर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज ला दिया, नहीं बोलना, इंड्यूस कर दिया। इक्वल एंड ऑपोजिट, चार्ज इंड्यूस कर दिया, इंडक्शन। बोलो, अर्थ की जगह वो कुछ कोई मैकेनिज्म कर सकते हो, बस ये वाला चार्ज निकालना है। नॉर्मली अर्थिंग चलती है, जो बुक्स लिख रही है हम तो वही कर रहे हैं, कर सकते हो, किसी तरीके से हटा दो, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। ओके, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से देखते हैं और ये समझते हैं कि इंडक्शन का और प्रोसेस कैसे चल सकता है। ध्यान से देखो, दिख रहा है यहां से, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर सपोज करो ये एक रॉड है और कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रॉड है। ये एक स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज रॉड, पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ आ गए, तो यहां पर क्या हो गई, डेफिशिएंसी। अगर मैं रॉड को यहां से हटा दूं तो स्फीयर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पर आप चाहते हो परमानेंट चार्ज आए, तो इस तरफ आपने क्या कर दिया, अर्थ या ग्राउंड कर दिया, तो ये ग्राउंड कर दिया। अर्थ ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करके पॉजिटिव उड़ा दिया, नेगेटिव को वो टच नहीं कर पाएगी बिकॉज नेगेटिव इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अर्थ हटा दो, रॉड हटा दो, नेगेटिवली चार्ज क्या रहेगा इसमें, पहले आपने अर्थ हटाई, नेगेटिवली चार्ज अभी भी अट्रैक्टेड है रॉड के साथ, अर्थ तो हट गई यहां से, ये तो बिल्कुल खाली हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया। रॉड हटा दो तो नेगेटिव नेगेटिव अब रिपेल करेंगे तो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बॉडी के ऊपर और परमानेंटली कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो रॉड कौन से चार्ज थी, पॉजिटिव, बॉडी के ऊपर फाइनल चार्ज क्या आया, नेगेटिव। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है, इंडक्शन कैसे हुई? तो कोई भी प्रोसेस से आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हो, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंडक्शन एंड कंडक्शन के, आप किसी भी मेथड से बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये आज का ऑब्जेक्टिव भी होगा, एक अभी हम शीट करेंगे एक, इसके अंदर ये बताया हुआ है कि मान लो आपके पास दो न्यूट्रल स्फीयर्स कंडक्टर हैं और कॉन्टैक्ट में है, राइट, ये कॉन्टैक्ट में है, इसके सामने आपने एक चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज रॉड रख दी, इंडक्शन हो गई। इंडक्शन ने क्या करना है, इस पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपस में जुड़े हुए थे सारे, दोनों के दोनों स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए, तो सारे के सारे अट्रैक्ट होकर यहां आ गए और यहां क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, कितनी, पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें? एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव। क्लियर हो गया यहां तक? अब अगर मैं रॉड को वापस ले जाता हूं,
तो इलेक्ट्रॉन वापस यहां जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने क्या किया, रॉड को यहीं रखा ताकि इलेक्ट्रॉन मेरे भाग ना जाएं। मैंने स्फीयर को पीछे से सेपरेट कर दिया, देखो सेपरेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन तो वापस जा नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव। स्फीयर जब सेपरेट हो गए तो इसके ऊपर परमानेंटली कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव, ये तो न्यूट्रल हो नहीं सकता। और जब मैं रॉड को दूर ले गया तो इलेक्ट्रॉन फटाफट भाग के अपने पॉजिटिव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं है तो ये न्यूट्रलाइज तो हो नहीं सकते, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होने के चक्कर में यहां पर आ जाएंगे चार्जेस, तो ये फाइनल डायग्राम बन जाएगा, राइट। तो दोनों के ऊपर परमानेंट क्या आ गया, चार्ज आ गया। हम बोलते हैं चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो ठीक है, सेपरेट किया तो यहां तक भी ठीक है। तो इसको अपने घर ले जाओ पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। रॉड हटा दोगे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पूरी किसकी करेंगे, तो परमानेंटली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो हम बोलते हैं चार्ज मैंने क्या किया, इसके ऊपर इंड्यूस किया।